वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आईएएस अग्रवाल की बुक से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 40 का क्वेश्चन नंबर 72। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में तो सबसे ज्यादा आते हैं। सो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन के जो कांसेप्ट है ना, वो अभी क्लियर कर लीजिए। एंड गाइस, अदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो सभी आपको प्रिंस एजुकेशन ऐप पर मिल जाएंगे। उसके लिए उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सभी एग्जांपलर एनसीईआरटी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रिंस एजुकेशन लिंक का लिंक गिवन है आपको। सो ये क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व करते हैं। ए फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए स्लोअर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। इफ स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्टर ट्रेन, देन फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन। ठीक है, यू हैव टू गिवन इन दिस क्वेश्चन अबाउट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। यू नो वेरी वेल, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है आपका फॉर्मूला, ये आपको अच्छे से मालूम है। नाउ गाइस, यहाँ पर आपको 2 ट्रेन गिवन है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। सो जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरा वो बेसिक कंसेप्ट समझा है उन क्वेश्चन का, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपसे गिवन है क्वेश्चन में कि एक फास्टर ट्रेन है, एक स्लोअर ट्रेन है। फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन से 1 आवर कम टाइम लेती है, एक जर्नी है 200 किलोमीटर की, राइट। 2 ट्रेन है आपकी, इनको क्या करनी है, एक जर्नी को कवर करना है। कितने किलोमीटर का है, 200 किलोमीटर का सफर है ये। ठीक है, ये 2 आपकी ट्रेनें हैं, इन दोनों को ये सफर कवर करना है। ये आपकी फास्टर ट्रेन है, राइट, ये आपकी स्लोअर ट्रेन है। चलिए, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्टर ट्रेन, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है कि जो स्पीड है स्लोअर ट्रेन की वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन है किससे, फास्टर ट्रेन से। तो हमें फास्टर ट्रेन की सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन हम स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन मालूम कर सकते हैं, बताइए जल्दी, मालूम कर सकते हैं ना हम लोग, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन क्या हो जाएगी, जो एक्स जो फास्टर ट्रेन की है उससे 10 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो एक्स माइनस 10 हो जाएगी। ठीक है, लेट सपोज हमारी जो फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड 100 है, राइट, तो स्लोअर ट्रेन कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 10, इट मीन्स 90 हो जाएगी। ठीक है, सो आपसे यही क्वेश्चन में गिवन है। नाउ अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, जो फास्टर ट्रेन है वो 1 आवर लेस टाइम लेते हैं किससे, स्लोअर ट्रेन से, यानी कि जो फास्टर ट्रेन है वो 1 घंटा पहले पहुंच जाती है अपने डेस्टिनेशन पे 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके, और स्लोअर ट्रेन 1 घंटा बाद पहुंचती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों का टाइमिंग। सो टाइम ऑफ फास्टर ट्रेन, टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन लिख लेते हैं। ठीक है, टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन, टाइम का किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस आपकी दोनों के लिए सेम है 200, एंड आपकी जो स्पीड है जो फास्टर ट्रेन है उसके लिए कितनी हो गई, एक्स हो गई। ठीक है, टाइम किस में होता है आपका, आवर में होता है, राइट। नाउ टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन, राइट, स्लोअर ट्रेन कितना टाइम लेगा गाइज आपका, इसके लिए भी डिस्टेंस तो आपकी सेम रहेगी बट स्पीड हमारी चेंज हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन एक्स माइनस 10, और आंसर किस में आएगा आपका, आवर में आएगा। इतना क्लियर हो रहा है आपको। नाउ अब आपसे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें रीड आउट करना है गाइस, उस स्टेटमेंट से जो हमारा पूरा स्टेटमेंट बनेगा। आपसे गिवन है कि जो फास्टर ट्रेन है वो 1 आवर लेस टाइम लेती है किससे, स्लोअर ट्रेन से। अब कंसेप्ट को समझना, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है आपकी स्लोअर ट्रेन, ये है आपकी फास्टर ट्रेन। ठीक है, स्लोअर ट्रेन अगर आपका 20 मिनट ले रहा है तो फास्टर ट्रेन कितना ले रहा है, 19 आवर ले रहा है। ठीक है, आवर में तो 20 मिनट ही 20 आवर ले रहा है टाइम, तो फास्टर ट्रेन 19 आवर ले रहा है, बिकॉज 1 आवर का डिफरेंस है ना। फास्टर ट्रेन 1 आवर जल्दी पहुंच जाती है, स्लोअर ट्रेन 1 आवर बाद पहुंचती है। तो अगर स्लोअर ट्रेन 20 आवर में पहुंचे तो फास्टर ट्रेन कितने आवर में पहुंच जाती है, 19 आवर में पहुंच जाती है। अब गाइस, दोनों स्टेटमेंट को हमें इक्वल बनाना है तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, या तो आप इसमें से स्लोअर ट्रेन में से 1 माइनस कर दीजिए तो वो फास्टर ट्रेन के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज 1 आवर का तो डिफरेंस है, या फिर आप 19 में फास्टर ट्रेन में 1 आवर का टाइम ऐड कर दीजिए तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया।
हम टाइम की बात की है, दैट मीन्स जो आपका फास्टर ट्रेन का टाइम है, दैट मीन्स आपका जो स्लोअर ट्रेन का टाइम है 200 अपॉन एक्स माइनस 10, एंड यहाँ पर लिखते हैं हम 200 अपॉन एक्स एज इट इज गाइज। जैसे स्लोअर और फास्टर मैंने एज्यूम किया, बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ इसलिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। राइट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया, या तो आप स्लोअर ट्रेन में से आप 1 माइनस कर देंगे, देन आपके वो फास्टर ट्रेन के इक्वल आ जाएगा, या फिर आप इसमें प्लस ऐड कर दीजिए तब वो इसके इक्वल हो जाएगा। और दूसरा कंसेप्ट, अगर गाइज आप यहाँ से माइनस 1 को राइट साइड में ले जाएंगे, ऑब्वियसली प्लस में ही जाएगा ना, ठीक है। तो क्लियर सी बात है कहने की, या तो आप यहाँ से माइनस 1 कर दीजिए या आप यहाँ पर प्लस 1 कर दीजिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया। कभी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल उठाइए कि किस में से हमें माइनस करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फास्टर ट्रेन में से 1 आवर माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपका गलत हो जाता है। अगर आप फास्टर में से माइनस करेंगे ना, तो ऑलरेडी वो 1 आवर माइनस हो जाएगा, तो 2018 के इक्वल तो नहीं होगा। सो दैट्स वाई वी नॉट रिमूव फ्रॉम द फास्टर ट्रेन, राइट। सो गाइज, हम स्लोअर ट्रेन में से 1 आवर माइनस करेंगे या फिर फास्टर ट्रेन में 1 आवर ऐड करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको क्लियर समझ आया कंसेप्ट, तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। नाउ आगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारी एक्स वाली टर्म है उनको एक साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो 200 अपॉन एक्स माइनस 10 इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, माइनस 200 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस 1 में राइट साइड ले जाते हैं, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू एक्स माइनस 10, 200 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। सो एक्स माइनस, यहाँ से एक्स और ये प्लस किस में हो जाएगा, माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में, बिकॉज यहाँ पर आपका माइनस का साइन है, ठीक है, समझ आया ना। देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 10। सो दैट्स वाई वी राइट हियर, राइट। तो कोई भी कंसेप्ट हो अच्छे से समझ के चलेंगे, मैंने यहाँ पे आपका शॉर्ट कर दिया था इसलिए आपको ये कंसेप्ट मैंने पूरा समझाया है। सो गाइज, आगे हम सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू 1, राइट। नाउ यहाँ पर आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 200 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2000 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 1। सो नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 2000, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ 2000 के ऐसे फैक्टर कि आपका एड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है, 10 आए। अगर हम करते हैं 50 × 40, क्योंकि 5 × 4 = 20 होता है, एंड 50 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा। गाइस, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 50 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 2000 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस माइनस प्लस 40x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स इंटू एक्स माइनस 50 प्लस 40 इंटू एक्स माइनस 50 इक्वल्स टू 0। सो एक्स माइनस 50 इंटू एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ व्हेन वी पुट एक्स प्लस एक्स माइनस 50 इक्वल्स टू 0, देन एक्स इक्वल्स टू 50। When we put x plus 40 equals to 0, then x equals to minus 40. और गाइज, x क्या थी, हमारी फास्टर ट्रेन की स्पीड हमने अज्यूम की थी, और कभी भी स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती। दैट्स वाई x equals to 40, x equals to minus 40 इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन राइट हेयर x equals to 50 इज द आंसर। दैट मीन्स वी विल राइट हेयर दैट स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन विल बी 50 एंड स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इक्वल्स टू 50 माइनस 40, राइट। 50 माइनस 10 दैट मीन्स 40, ठीक है। तो आप देखेंगे फास्टर ट्रेन की स्पीड आपकी 50 आ गई, एंड स्लोअर ट्रेन की आपकी 50 माइनस 10 इट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर आ गई है, ठीक है। सो स्टेटमेंट वाइज भी देखना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का फिर कमेंट आता है। आई होप ये भी आपका बिल्कुल राइट है, स्टेटमेंट वाइज ही है, ठीक है। मैं आपको एक स्क्रीन शॉट दिखा देती हूँ, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इक्वल्स टू एक्स माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, जैसे कि मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है। इट इज गिवन दैट फास्टर ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन स्लोअर वन इन कवरिंग 200 किलोमीटर। देन गाइस, जैसे हमने सॉल्व किया है वो सॉल्व करेंगे। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन विल बी एक्स इक्वल्स टू 50 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन विल बी 40 किलोमीटर। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से गाइज, आप किसी भी क्वेश्चन को गिवन हो सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, जैसे सभी के लिए हेल्पफुल हो।
ओके एंड प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।